12 स्टेट में 4-4 लाश गया, 6-6 लाश। ये तय था कि हर स्टेट में लाश जाना चाहिए ताकि सेंटीमेंट उन स्टेटों में ज्यादा मिले हमें। एक मर्डर से 40 शहादत को खत्म कर दिया, 13 लोग मरे महाराष्ट्र में अमित शाह के रैली में, उसको भी गायब कर दिया। और सीएम साहब कांग्रेस में मिल गए बीजेपी के, बाप रे बाप, रुपया सर, उसको भी गायब कर दिया। इस ब्रजभूषण सिंह का आपको और अमित शाह को खत्म कर देगा, और इस बेटी की बद्दुआ आपको जीने नहीं देगी, इस बात का ख्याल रखिएगा। देश में परिवर्तन सिख और जात किया था, आपका भी परिवर्तन सिख और जात और दलित करेगा, इसका ख्याल रखिएगा। पुलवामा की घटना करवा के हमने 14 तारीख को पुलवामा की घटना कर दिया, हम 15 को ट्वीट किए कि पुलवामा हुआ नहीं है। आज ना सरपंच जी, हमारा 15 का ट्वीट देख लीजिए आप, ट्वीट तो है ना 15 तारीख का, उसको तो निकाल के देख लीजिए। पप्पू यादव ने क्या कहा, सरपंच जी तो बहुत बार में बोले ये बात, सबने मान लिया, हो गया, सैनिक मर गए। कभी ऐसा हुआ कि एक ही गाड़ी में उधर से गाड़ी आ रही है, उसको पता है थर्मल गाड़ी बिना बुलेट प्रूफ का है, और उसमें सभी स्टेट का 12 स्टेट के लोग बैठे हुए हैं। 12 स्टेट में 4-4 लाश गया, 6-6 लाश। ये तय था कि हर स्टेट में लाश जाना चाहिए ताकि सेंटीमेंट उन स्टेटों में ज्यादा मिले हमें, इसको समझिए। चैलेंज है सारा, 300 क्विंटल कहां से आया आरडीएक्स, ये चंद्रचूर जी से जांच करवा ले मोदी जी, हिम्मत है तो, और सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश जांच कर ले, इस पर चर्चा नहीं होगी। आप चलिए, सुप्रीम कोर्ट ही आपको भरोसा आप रखिए, नेता और लोकतंत्र में इस भीड़ से भरोसा मत रखिए, यह बात याद रखिए। आपकी मार्केटिंग कोई नहीं करेगा, अन्ना हजारे की मार्केटिंग बीजेपी ने किया था, इसीलिए हो गया था, पैसा था इसीलिए मार्केटिंग हुई उसकी, समझे। अरविंद केजरीवाल जी बेचारे के बारे में अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे, बोल के नहीं कुछ नहीं सौंप के बारे में नहीं बोलना चाहिए, फिर बीजेपी वाले को मौका मिल जाएगा, इसीलिए उनके बारे में अभी कुछ नहीं। अभी एक के बात करते हैं, बहन के बारे में। भैया एक बात याद रखिए, जाट लोगों में, गुज्जर में, जाधव में, इन लोगों में बड़ी ताकत होती है, और आप लोग एक के संस्कार खून के लोग हो, लेकिन आप लोग बटे हुए हो, तीनों चारों पांचों मिल जाओगे तो सच्चाई कहते हैं बच्चे की सौगंध 2024 में इसका बाप कभी नहीं आ पाएगा यदि आप लोग मिल जाते, लेकिन आप लोग को फाड़ फूड के रख रहे हैं, सबको अलग अलग करके रख रहे हैं, दलित को भगवान भरोसे और पैसा के भरोसे रख दिया, और इधर जो लड़ने वाले का वर्ग समूह है जो लड़ सकते हैं उसको फाड़ दिया। जब इतने ताकतवर कौम यदि हिंदू मुसलमान में फंसिएगा, जिसके पास खुद खेती करने की औकात और क्षमता हो और लड़ने का जज्बात हो, हिम्मत हो, सिख है, इधर जाट है, इधर गुजर है, इधर दलित, आप हिंदुस्तान में एक होइए ना। देखिए, इस दोस्त को और बेटी को बचाना चाहते हैं ना, तो 9 महीने के बाद इनको उठा के पटकिए, तब ही कोई रास्ता है, उसके पहले यदि आप नहीं मानते हैं तो 2024 के बाद सबसे पहले बाबा साहब अंबेडकर का संविधान बन लेगा ये, फिर ये अमेरिका के राष्ट्रपति के तर्ज पर ये आदमी यहां राष्ट्रपति प्रणाली लाएगा। आरक्षण पहले से ही गाज गुप कर दिया, सबका डिमांड है, लंबी सूची में स्टालिन ने लाया, ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। गरीब से इनको कोई मतलब नहीं है, नफरत है, 10 किलो आटा 15 किलो चावल पर गरीब को जिंदा रखना चाहता है, उसको कहता है कि हम तुमको दे रहे हैं खैरात है, हम लग रहे हैं कि नेता लोग अपने बाप के घर से देते हैं हम लोग को, गरीब लोगों को टैक्स वही देता है और यही लोगों को देता है, इसीलिए आप अधिक लोगों को और मजबूत लोगों को
2024 के पहले नेता से आगे होना पड़ेगा। आप आगे हो जाइए, नेता को पीछे छोड़ दीजिए तो देश बचेगा। नेता को आगे लाइएगा, आप पीछे रहिएगा तो देश नहीं बचेगा। आपको आगे आना पड़ेगा। आप मजबूत वर्ग है, समूह है, शक्तिशाली वर्ग है। आप अभाव में नहीं जीते हैं, आप डरे हुए बंदे नहीं है। डरा हुआ इंसान और अभाव में रहने वाला इंसान कभी दुनिया नहीं बदल सकता। और यहां जो बैठे लोग हैं, ना वो डर है उसके भीतर और ना वो अभाव है। इसीलिए यहां के बंदे दुनिया बदल सकता है। हम और मैडम लगातार, इसके पहले भी जब घटना, हमारी बहन बैठी थी, सब लोग जिसमें राजनीति हो गई, कुछ लोगों ने उस वक्त ही लंबा प्रोटेस्ट होता, लंबा जाता तो आज तक बहुत बड़ी बात हो गई होती। बीच में हम लोगों ने किस गलतफहमी के शिकार हो गए, जंतर मंतर से बहन लोग उठ गई। मेरा आग्रह है कि हम जो मर्द लोग यहां आते हैं, उससे बेहतर है अपने अपने बेटी बहन को यहां लाइए, ये इसका ख्याल रखिए। इस देश में याद रखिएगा, ममता, दया और करुणा, दया पर हमेशा टूअर हो गया। राजीव जी शहीद हो गए, इंदिरा जी शहीद हो गए, मंडल आ गया, कभी कमंडल हो गया, कभी जिग्नेश आ गया, कभी कब्रिस्तान, कभी शमशान, कभी ईद, कभी बकरीद, कभी पट्टेदार, कभी जिन्ना, कभी डीएनए, हमेशा फालतू फालतू चीजों पर इस कंट्री में चुनाव हुआ है। इस कंट्री में मुद्दों पर चुनाव आज तक आजाद हिंदुस्तान के बाद कभी नहीं हुआ, विचारों पर चुनाव नहीं हुआ। देश की ये हालत है, हमेशा सेंटीमेंट पर चुनाव हुआ है। आजादी के नाम पर लंबे समय तक वोट मिली, फिर शहीद के नाम पर लंबे समय तक वोट मिली, फिर मंडल कमंडल के नाम पर। तो इसका ख्याल रखिए, पुलवामा के नाम पर बन गया। अभी आप लोग बोल रहे हैं ना कि फिर ये कोनो बारूपिया आदमी है, एकाद टोप, देखिए ये चाइना के बारे में कभी बोलता है, है? कभी अमेरिका के बारे में, इजराइल के बारे में, रूस के बारे में बोलता है, देश पूरी दुनिया लड़ रहा बोलता है, खाली पाकिस्तान के बारे में बोलता है, क्योंकि उसको पता है कि पाकिस्तान के बारे में बोलेंगे तो आजकल का जो नया जनरेशन यूट्यूबर है, जो पोर्न देखता है और कोरेक्स इसमें ड्रग्स लेता है, उसको हम हिंदू मियां के नाम पर, पाकिस्तान के नाम पर हम उसको बांट सकते हैं। पाकिस्तान के अलावे आज बीजेपी हिंदू मियां छोड़ दे और पाकिस्तान का नाम लेने वाला छोड़ दे, अमित शाह मुखिया में चुनाव नहीं जीते, याद रख। हिंदू मियां और ये टीवी का सब मालिक हिंदू मियां भोरे से शाम, अभी भोरे से शाम सतपाल मल्लिक का मामला खत्म हो गया। अतीक 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 अतीक, हरे दादा, एक मर्डर से 40 शहादत को खत्म कर दिया। 13 लोग मरे महाराष्ट्र में अमित शाह के रैली में, उसको भी गायब कर दिया। और सीएम साहब कांग्रेस में मिल गए बीजेपी के, बाप रे बाप, बारूपिया सर उसको भी गायब कर दिया। अतीक 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 अतीक, शूटर, ये लोग बोलते हैं शूटर, सदन में ऐसा रो रहा था जोगी हम लोग के सामने, इतना मरा हमने, ऐसे ऐसे कर रो रहा था, क्या हुआ, सबको बड़ी मारा पुलिस, उलम सिंह बड़ी मरवा दी, बड़ी क्या डरपोक है ये। जिस दिन मुख्यमंत्री के कुर्सी से हटा, समझे, अब हम कुछ नहीं कहेंगे, इससे आगे कुछ नहीं कहेंगे। ये लोग यहां पर चुगला से बहुत है, उस युग में एक तो चुगला था तो सेमा चकेबा हो गया, अब घरों पर चुगला है, इसीलिए चमचा भी घरे घर और चुगला भी घरे घर। इसी बीच में हम लोगों को लड़ना है और लड़ाई आप ही लोग के बदौलत होगी। आप लोग हैं तो लड़ाई हो सकती है, नहीं है तो किसी की बाप की औकात नहीं है लड़ने की। आप में बड़ी ताकत है,
हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है, भैया हम तो आप ही लोगों के भरोसे हैं कि इसको हटा पाएंगे। पंजाब, हरियाणा और उत्तर पश्चिमी के लोग गौर पकड़ते हैं, हम भगवान मानेंगे, आप लोग इसको हटा दीजिए। हम कोनो भगवान को नहीं पूछते हैं, हम आज तक गौर हाथ नहीं जोड़े हैं भगवान को, बस बहन के लिए आए। कोरोना में सब घर में सुतर था, हम रोड पर थे, सब कोरोना से डर रहा था, हम कोरोना को डरा रहे थे, एक बार हम नहीं भागे। पटना बाढ़ में सब भाग गया, हम भर दिन 12 दिन डगले रह गए कि बचा ले एक को आदमी को। तो एकदम इंसानियत को बचाना जरूरी है, बेटियों की रक्षा जरूरी है। बेटी और माँ के बगैर किसी भगवान का कोई औचित्य नहीं है। और मैं जानता हूं मोदी जी देश में परिवर्तन सिख और जात किया था, आपका भी परिवर्तन सिख और जात और दलित करेगा, इसका ख्याल रखिएगा। इतना बारूपिया नहीं है, मैं इससे ज्यादा आज कुछ नहीं कहूंगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, ढेर बोल दिए, पता नहीं हमरों ने मरवा दे, कोई ठिकाना नहीं। भैया आ जाए अमेरिका से, सब दिन मरवा रहा, 90 में MLA बने, और उसके बाद हमारी पत्नी सिख है, 3 बार 4 बार हम लोग को घरों नहीं दिया, आज तक 9 महीना हो गया हमारी मैडम को घर नहीं दिया, 4 बार MP है वो। अब हम समझौता चमचागड़ी करेंगे तो घर मिलेगा, और नहीं करेंगे तो घर नहीं मिलेगा। तो हम लोग भैया बड़ी ईमानदारी, वो भी गुरुद्वारा के हेड थे उनके पिता, और हमारे फादर भी आनंद मार्गी हैं, दोनों आध्यात्मिक हैं। कुछ नहीं चाहिए, जो है सो तो तेरा है, जिंदगी इनकी अमानत है, जहां इनके लिए मरने की जरूरत होगी पप्पू यादव पहला नाम होगा, मैं आपको भरोसा देता हूं। मैं दुनिया से लड़ा हूं, 7 चीफ मिनिस्टर से डायरेक्ट लड़ा, और 2 प्राइम मिनिस्टर को हम सदन में दोगला कह चुके हैं, ऑन द रिकॉर्ड है, इसलिए उसमें कोई बहस नहीं है, ऑन द रिकॉर्ड हम बोलते हैं, हमको डर भर नहीं है, क्योंकि हम ना किसी से माल लिए हैं और ना हम कभी गाल को देखे हैं, और ना हम हिंदू मियां किए हैं, ना बैकवर्ड फॉरवर्ड किए हैं। तो इनके बाल बस की बाप की औकात नहीं पप्पू यादव को ईबी और सीबी और ईडी आईबी से डराने का, ये जितना ये लोग लूटता है उतना हम डेली बांटते हैं, इसलिए हमको ये क्या डर है, दिखा डर है। ये लोग अपने 100 सूप बोले तो बोले, चलियो बोले, शीशे के घर में रह के पत्थर फेंकते हैं, भर जिंदगी लेने वाला दूसरों से, वो दूसरों को क्या डराएगा। ये लोग सबसे डरा हुआ इंसान है, ये लोग चहर दिवाली और इस आर्मी और सेना के बंदूक के नोक पर दूसरों को डराता है। पब्लिक जिस दिन पागल हो जाएगी, ये सेना और बंदूक खत्म हो जाता है, और बेटी की आह सबको मार देती है। मोदी जी, इस ब्रजभूषण सिंह का आह आपको और अमित शाह को खत्म कर देगा, और इस बेटी की बद्दुआ आपको जीने नहीं देगी, इस बात का ख्याल रखिएगा, अन्यथा न्याय कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।